रेस्टोरेंट से अच्छी मटर पनीर आप घर पे बनाएं, वो भी बिना काजू, बिना दही और बिना क्रीम के। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये लाजवाब मटर पनीर जब आप घर पे बनाएंगे तो इसकी खुशबू से आपका मन खुश हो जाएगा और स्वाद से दिल खुश हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें। तेल की जगह आप घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ये जो पनीर के क्यूब्स है इसे फ्राई कर लेंगे। तो पनीर को फ्राई करना इस सब्ज़ी में ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप पनीर को फ्राई करके ये सब्ज़ी बनाते हैं तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर पनीर डाल दिया मैंने, इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही पनीर का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए, ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें, बस इतना ही हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और पैन में ये जो तेल बचा हुआ है इसमें हम प्याज, लहसुन और अदरक को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये 2 प्याज, 10 से 12 लहसुन और 2 इंच अदरक लिया है, इन तीनों को डाल दिए। तेल मैंने अलग से नहीं डाला है इसमें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पे पैन को कवर कर देती हूँ और पकने देती हूँ। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज, लहसुन, अदरक हल्के से फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गैस को बंद कर दूँगी और इसे ठंडा हो जाने दें, उसके बाद इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो इसे रख दें, जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसे ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे और इसका पेस्ट बनाने के लिए पानी का यूज़ नहीं करेंगे, बस इसे ऐसे ग्राइंडिंग जार में डालें और जार का ढक्कन बंद करके हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जार का ढक्कन बंद किया मैंने और ले चलते हैं इसे ग्राइंडर की तरफ। अगर आप टमाटर यूज़ कर रहे हो तो 2 टमाटर ऐसे ही सेम प्रोसेस से प्याज के साथ फ्राई करके ऐसे पेस्ट बना ले उसका। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गैस ऑन करके एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। तेल के गर्म होते इसमें तेज़पत्ता डाल दें, 1 सूखा लाल मिर्च डाल दें और 1 बड़ी इलायची फिर हम इसमें जीरा डाल देंगे और इन सबको हम थोड़ा सा पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद सारे मसाले हम तेल में ही डाल देंगे। अगर आप मसाला तेल में डाल देंगे तो सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मसाला डालते वक्त ध्यान रखिए कि तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो यहाँ पर ये हल्दी, लाल मिर्च डाल दिया मैंने। फिर हम इसमें ये धनिया पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल दें, गरम मसाला भी मैं यहीं पे डाल दे रही हूँ, आप चाहें तो लास्ट में डालें। अब हम सारे मसालों को हल्का सा ऐसे तेल में मिला देंगे और इसके बाद ये जो पेस्ट हमने बनाया ये साथ में डाल देंगे। तो बस मसालों को बहुत ज़्यादा तेल में नहीं पकाना है, जैसे ही मसाले तेल में डालें साथ साथ ये पेस्ट डाल दें, मिला दें इसे। अब मसाला पकाने की बारी आती है, तो अब हम इसे ढक के लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट पकाएंगे। 5-7 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसालों के किनारे से ऐसे तेल निकलने लगा है, मतलब मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें 1/3 कप ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे रेडीमेड टमाटर की प्यूरी यूज़ की है, आप चाहे तो होममेड करें या फिर 2 टमाटर बारीक काट के जैसे प्याज के साथ फ्राई किया था वैसे ही फ्राई करके पेस्ट बना लें। टमाटर को मिलाने के बाद हम इसे ढक के वापस 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो पैन को कवर कर दें, 5-7 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 कप पानी डाल दे रही हूँ, मिला दें इसे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप फ्रोजन मटर लिया है, अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करें तो गर्म पानी में उसे 1/2 मिनट के लिए उबाल लें, उसके बाद इसमें ऐड करें। गर्म पानी में मटर को डालने से ये जो है ऐसे ग्रेवी में श्रिंक नहीं होते हैं। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिला देंगे और ढक के उबलने के लिए छोड़ देंगे। पनीर हम अभी नहीं ऐड करेंगे, जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगा उसके बाद पनीर ऐड करेंगे। तो ग्रेवी को हमें 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। तो पैन को कवर कर दे और पकने दे। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मसालों के ऊपर ऐसे रेड कलर का जैसे ये परत है वो तैरने लगा है, मतलब मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे। तो पहले हमने मसाले को अच्छे से भुना, फिर इसकी ग्रेवी अच्छे से पकाई। अब हम पनीर डालने के बाद वापस इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे। सब्जी जो है वो जितना ज़्यादा पकेगी उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मिला दिया इसे, अब हम इसे ढक के लो फ्लेम पर 10 मिनट पका लेंगे। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि मसालों के ऊपर ये अच्छी रेड कलर की लेयर दिख रही है, मतलब सब्जी हमारी एकदम पक गई है। तो लास्ट में आप इसके ऊपर कसूरी मेथी, या फिर अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप उसकी जगह धनिया पत्ता भी बारीक कटा हुआ स्प्रिंकल कर सकते हैं। कसूरी मेथी इसमें ऑप्शनल है। तो यहाँ पे कसूरी मेथी या धनिया पत्ता जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो डालने के बाद पैन को कवर कर दे और 2 मिनट और पकाए लो फ्लेम पे। 2 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने, मिला दे इसे एक बार अच्छे से। तो ये आप सब्जी का जो
कलर है वो देख सकते हैं और मसालों का टेक्सचर ये देखिए, तेल और मसाला जो है वो बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। तो ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ और अब हम चलते हैं इसकी प्लेटिंग करने के लिए। सब्जी जो है वो जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उसका कलर उतना ही ज़्यादा रिच आएगा। तो ये हमारी सब्जी आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने इसमें सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, कोई फूड कलर वगैरह नहीं यूज़ किया है, बस टमाटर की प्यूरी यूज़ की है जिसकी वजह से इसका टेक्सचर ऐसा आया है। तो बस सब्जी और मसालों का जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं, एकदम ऑसम दिख रहा है, एकदम गर्मा गर्म मटर पनीर, बस रोटी नान या पराठा मिल जाए तो बस और क्या चाहिए लाइफ में लाइफ में तो वैसे बहुत कुछ चाहिए तो ये हमारी मज़ेदार मटर पनीर जो है वो रेडी हो चुकी है, जिसमें हमने काजू दही क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया है और इसका टेस्ट अमेजिंग आता है। तो आप इस मटर पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमेशा की तरह अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।